नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम लोग 11 जून 2020 की ग्रह स्थिति देखते हैं। सूर्य और शुक्र वृषभ राशि में, राहु और बुध मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में, बृहस्पति और शनि मकर राशि में, मंगल और चंद्रमा कुंभ राशि में। ग्रहों की स्थिति बिल्कुल वैसे ही बनी हुई है। चंद्रमा का केवल भ्रमण चल रहा है। चंद्रमा अपनी स्थिति से आगे चलते चल रहे हैं। चंद्रमा और मंगल मिलकर लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं। बृहस्पति शुक्र शनि अभी भी वक्री गति से और सारे ग्रहों का युग्म बना हुआ है। मेष राशि, धन का आवक बना रहेगा। हर दृष्टिकोण से अच्छा समय है। किसी भी तरह की कोई जोखिम नहीं है। स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम अच्छा है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी रुपए पैसे आते रहेंगे और आप अच्छे स्थिति में दिखाई पड़ते हैं। कोई जोखिम नहीं है, फिर भी एहतियात जरूर बरतिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृषभ राशि, शासन सत्ता पक्ष का सहयोग होगा। उच्च अधिकारी प्रसन्न होंगे। पिता के स्वास्थ्य पे ध्यान दें, बाकी सब ठीक है। स्वास्थ्य आपका मध्यम है। प्रेम की स्थिति ठीक है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चलने लगे। लाल वस्तु दान करें। मिथुन राशि, भाग्य बस कोई काम बनेगा। कुछ अच्छी स्थिति की तरफ आप जा रहे हैं, बट कोई रिस्क मत लीजिएगा। स्वास्थ्य प्रेम अभी भी मध्यम है, पहले से बेहतर जरूर है। हरी वस्तु पास रखें। कर्क राशि, कर्क राशि की स्थिति थोड़ी सी खराब है। लग्न अष्टम भाव में है, चोट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, अचानक परिस्थितियां प्रतिकूल है, प्रेम में तो की स्थिति आ सकती है, थोड़ा बच के। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम मध्यम, व्यापार भी मध्यम के ही जैसा है। हनुमान जी को प्रणाम करना अच्छा है आपके लिए। सिंह राशि, जीवन साथी के साथ अच्छा समय गुजरेगा। नौकरी चाकरी में बढ़ोतरी, व्यवसायिक लाभ, स्वास्थ्य भी अच्छा है। कुल मिलाकर के आपका अच्छा समय है। प्रेम की स्थिति थोड़ी मध्यम है। लाल वस्तु पास रखें। कन्या राशि, शत्रु उपद्रव संभव है। थोड़ा डिस्टर्ब जरूर रहेंगे, लेकिन कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। शत्रु शमन होगा। स्वास्थ्य डिस्टर्बिंग रहेगा थोड़ा, प्रेम ठीक ठाक रहेगा, व्यापार की स्थिति भी मध्यम चलती रहेगी। लाल वस्तु दान करें। तुला राशि, क्रोध पे नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य मध्यम है। प्रेम में तुतुमय या थोड़ा क्रोध के शिकार होंगे। व्यापार की स्थिति मध्यम चल रही है। लाल वस्तु का दान करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि की स्थिति थोड़ी सी घरेलू थोड़ी परेशानी रहेगी। आपको घर का तापमान थोड़ा बढ़ा रहेगा, लेकिन लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है जो आपके बहुत काम का है। होम भवन वाहन की खरीदारी पर विचार हो सकता है। स्वास्थ्य ठीक है, व्यापार ठीक है, प्रेम भी अच्छा है। बजरंग बाण का पाठ करें। धनुराशि, धनुराशि की स्थिति पराक्रमी वाली है। जो आप चाहते हैं वो कर डालेंगे। सोची हुई बात को लागू करिए। डिजाइन की हुई चीज को इंप्लीमेंट करिए, अच्छा होगा। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम ठीक ठाक, व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा समय कहा जा सकता है। पीली वस्तु पास रखें। मकर राशि, मकर राशि की स्थिति अच्छी है। धन का आवक बना रहेगा, लेकिन बिल्कुल अभी निवेश मत करिएगा और कटु भाषा का प्रयोग से बचिएगा। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम मध्यम, व्यापार ठीक ठाक रहेगा। लाल वस्तु दान करें। कुंभ राशि, सौम्यता बढ़ेगी। स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम मध्यम है, व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छे समाचार की प्राप्ति हो सकती है। बजरंग बाण का पाठ करें। मीन राशि, खर्च की अधिकता से परेशान हो सकते हैं। मानसिक स्थिति थोड़ी छिड़ रहेगी, कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम मध्यम है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी मध्यम कहा जा सकता है। लाल वस्तु पास रखें, अच्छा होगा। नमस्कार।